बुधवार से रोस्टरवार खुलने वाली दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया तथा दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल की स्थिति का जायजा लिया। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि दुकानों में थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें अभी तक सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर दुकानों को सील भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, रोस्टर जारी हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से कल, उस हिसाब से दुकानों के लिए समय दिया गया और दिन दिए निर्धारित किए गए कि उस दिन ये दुकानें खुलेंगी, उसी की रैंडम चेकिंग आज की जा रही है। यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि रोस्टर में जो दुकानें उल्लिखित हैं वही आज के दिन दुकानें खोलें और नियत समय पर ये दुकानें खोलें और बंद करें। इसके अलावा दुकानों में बहुत जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो और लोग अपना वहाँ पे मास्क लगाए रहें, स्टाफ जो है वहाँ पे मास्क लगाए रहे, सैनिटाइजर का उपयोग होता रहे, थर्मल स्कैनिंग होता रहे, ये सब चेकिंग हो रही है। इसके अलावा यह देखा जा रहा है कि भीड़ बिल्कुल ना लगे, जनता घरों से बाहर निकल रही है, उनसे अपील भी आपके माध्यम से रहेगी कि अपने घरों से आवश्यक अति आवश्यक काम के लिए बाहर निकलें, बाकी आपको जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी होम डिलीवरी हो ही रही है, बहुत जरूरी तभी घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म से जरूर पालन करें। अभी निरीक्षण करीब 7-8 दुकानों को किया जा चुका है तो वहाँ पर व्यवस्थाएँ ठीक पाई गई, आगे और निरीक्षण जारी है, जहाँ भी निरीक्षण मानकों के विपरीत पाया जाएगा वहाँ पर दुकान सीज कर दी जाएगी।